गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुनीलाल सर आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ सब्जेक्ट इंग्लिश बुक मोमेंट का लेसन वन द लॉस्ट चाइल्ड। आप सब अपनी कॉपी किताब और नोटबुक साथ में पेन और पेंसिल लेकर के बैठ जाएं और ध्यान से एक एक वर्ड को सुनते जाएंगे। मैं बहुत ही बारीकी से इस लेसन को डिस्क्राइब करने जा रहा हूँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। फर्स्ट लाइन बता दिया आपको कि स्प्रिंग यानी बसंत, बसंत का महोत्सव, फेस्टिवल यानी पर्व या महोत्सव का समय था, बसंत ऋतु के पर्व को मनाने का समय चल रहा था। फ्रॉम द विंट्री शेड्स ऑफ ए नैरो लेन्स एंड एलीज इमर्स्ड अ गेली क्लैड ह्यूमैनिटी। लेखक कहते हैं जो विंट्री शेड्स ऑफ नैरो लेन्स यानी नैरो लेन्स यानी तंग गलियां, एलीज का भी मतलब वही होता है, स्ट्रीट्स मैंने यहाँ लिख रखा है, आप ध्यान देंगे नैरो, ठीक है, नैरो मीन्स वेज टंग, और गैलीज तथा लेंस दोनों का सिमिलर मीनिंग है। तो विंट्री कहते हैं कोल्ड को, सर्दी से भरे हुए तंग गलियों में से इमर्ज्ड बाहर निकले गैली क्लैड ह्यूमैनिटी, प्रसन्नचित और वेल ड्रेस्ड यानी अच्छे या कहो नए नए कपड़े पहन करके इंसान बाहर निकल पड़े। सम वॉक्ड सम रोड ऑन हॉर्सेस। अब उनमें से कुछ लोग कैसे जा रहे थे, वॉक यानी कुछ लोग पैदल जा रहे थे, सम रोड ऑन हॉर्सेस, कुछ घोड़ों पर सवार होकर के जा रहे थे। अदर सेड बीन कैरीड इन बैम्बू एंड बुलॉक कार्ट्स, और बाकी जो अन्य लोग थे वे किसी बैलगाड़ी पर बैठ करके जा रहे थे, बुलॉक कार्ट्स यानी बैलगाड़ी। वन लिटिल बॉय इन बिटवीन हिज फादर्स लेग्स ब्रिमिंग ओवर विथ लाइफ एंड लाफ्टर। अब कह रहा है उनमें से क्या है, उस भीड़ में से एक नन्हा सा बालक है जो अपने फादर के पीछे पीछे, पिताजी के पीछे पीछे चलता जा रहा था, ब्रेमिंग ओवर विथ लाइफ एंड लाफ्टर का मतलब उत्साह से लबालब भरा हुआ। कौन वह लिटिल बॉय, छोटा सा बालक। कम चाइल्ड कम कॉल्ड हिज पेरेंट्स एज ही लेफ्ट बिहाइंड फैसिनेटेड बाय द टॉयज इन द शॉप्स दैट लाइन द वे। आओ बेटे आओ, अर्थात बेटे आ जाओ, इस तरह से आवाज लगाई उनके पेरेंट्स ने। कब लगाई, जब वे लोग उनको पीछे छोड़ गए, अर्थात वह जब बच्चा लैग बिहाइंड हो गया यानी पीछे छूट गया। फैसिनेटेड बाय द टॉय, क्यों पीछे छूटा, क्योंकि वह बच्चा आकर्षित हो गया, मोहित हो गया उन खिलौनों के प्रति जो इन द शॉप्स दैट लाइन द वे, जो सड़क के किनारे किनारे दुकानों में जो खिलौने रखे हुए थे, उन खिलौनों से बच्चे आकर्षित होकर पीछे छूट गए। He hurried towards his parents. बच्चा तेजी से अपने पेरेंट्स की तरफ भागा। His feet obedient to their call. लेखक कहते हैं पैर उनका मानो उनके कॉल के प्रति obedient थे, यानी आज्ञाकारी थे, यानी पैर तो उनका चल पड़ा। His eyes still lingering on the receding toys. लेकिन उनकी आँखें अभी भी उन receding toys पर टिकी हुई थी। प्रिसीडिंग मीन्स मैंने लिखा है लिविंग बैंक, जो खिलौने उनसे पीछे छूट रहे थे, आंखों से वो जल हो रहे थे।
Then he came to where they had stopped to wait for him. और जब वह बालक वहाँ पहुँच गया जहाँ उनके माता पिता उनकी प्रतीक्षा में रुके हुए थे, he could not suppress the desire of his heart. तो वह बच्चा अपने दिल की इच्छा को दबा नहीं सका. सप्रेस मीन्स होता है दबाना किसी चीज को, अपनी इच्छा को दबा देना. सप्रेस दबाना. और डिजायर तो आप लोग जानते ही हैं. तो अपनी दिल की इच्छा को वह दबा नहीं सका. इवन दो ही वेल न्यू द कोल्ड कोल्ड स्टेयर ऑफ द फ्यूचर इन देयर आईज. यद्यपि वह बालक अच्छी तरह जानता था क्या ओल्ड कोल्ड स्टेयर ऑफ द फ्यूचर, यानी पुरानी और मंद पड़ी हुई. स्टेयर ऑफ रिफ्यूजल मतलब स्टेयर मीन्स साइट दृष्टि, रिफ्यूजल इनकार. मैंने यहाँ लिख रखा है रिफ्यूजल डिनायल, इनकार की जो उनकी पेरेंट्स की दृष्टि थी जिसे बच्चा पूरी तरह से अवगत था. ठीक है, इन देयर आइज उनकी आंखों में जो, यानी उनके पेरेंट्स की आंखों में जो इनकार की दृष्टि थी, इनकार की भावना थी, इस चीज से बच्चा पहले से क्या था, वेल नोन था, यानी अच्छी तरह वह जानता था. आई वॉन्ट दैट टॉय, ही प्लीडेड. उस बच्चे ने रिक्वेस्ट करता हुआ, अनुरोध करता हुआ कहा कि मुझे वह खिलौना चाहिए. हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड. इस पर क्या हुआ, उनके फादर का रिएक्शन कि रेड आइड यानी गुस्साई हुई आंखों से उनके फादर ने उनकी तरफ देखा. इन हिज फैमिलियर टायरेंट्स वे, लेखक कहते हैं जो कि उनका जाना पहचाना टायरेंट्स वे था, क्रूरतापूर्ण तरीका था बच्चे को देखने का. हिज मदर मेल्टेड बाय द फ्रेश स्पिरिट ऑफ द डे वॉज टेंडर. लेकिन माँ को दया आ गई क्योंकि वह बच्चा अभी बहुत छोटा था, टेंडर था, नाजुक था, कम उम्र का था. एंड गिविंग हर फिंगर टू होल्ड, अपनी उंगली उनको थमाते हुए कहा, लुक चाइल्ड व्हाट इज बिफोर यू. कहा, देख बेटे तुम्हारे आगे क्या है. तो बच्चा आगे देखता है तो क्या पाता है, इट वॉज ए फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड पेन लाइक मेल्टिंग गोल्ड एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड. बच्चा क्या देखता है, नीलों मील तक फैला हुआ है पीले पीले क्या सरसों का खेत, जो लगता है कोई मेल्टिंग गोल्ड जैसा, मानो कोई पिघला हुआ द्रवित सोना हो, यानी पिघला हुआ सोना मानो पसर गया हो इस खेत में. A group of dragonflies were bustling about on their gaudy purple wings. अब देखिए क्या देखता है बच्चा, group of dragonflies, एक तरह का flies है ये मक्खियाँ, जिसका group, जिसका झुंड जो है वो हलचल मचा रहे थे, शोरगुल मचा रहे थे. about on their gaudy purple wings, अपने भड़कीले पंखों के साथ. इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ ए लोन ब्लैक बी और बटरफ्लाई इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स. और उस ड्रैगन फ्लाइज के झुंड में कहते हैं कौन है, एक अकेला ब्लैक बी, यानी जिसको आप भ्रमर कहते हो, भौरा कहते हो, और या बटरफ्लाई तितली, ये भी उड़ रहे थे उस झुंड में. इसलिए इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स, फूलों से स्वीटनेस यानी मिठास की तलाश में. इन सर्च ऑफ मीन्स तलाश में, ये बहुत पुराना फ्रेज है आप लोग जानते हैं. द चाइल्ड फॉलोड देम इन द एयर विथ हिज गेज. अब बच्चा क्या करता है, अपनी दृष्टि हवा में रखकर, अपनी नज़र हवा में रखते हुए उनका पीछा करता है, यानी ड्रैगन फ्लाइज के पीछे पीछे जाने लगता है
till one of them would still its wings and rest. तब तक पीछे जाता है बच्चा जब तक कहता है कोई एक ड्रैगन फ्लाई अपने विंग्स को स्थिर करता और रेस्ट करता यानी कहीं बैठता. एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट और वह बच्चा इसे पकड़ने की कोशिश करता था. बट इट वुड गो फ्लटरिंग फ्लैपिंग लेकिन वह जो ड्रैगन फ्लाई है ना वह अपने पंखों को फड़फड़ाकर उड़ जाता अप इनटू द एयर हवा में. व्हेन ही हैड ऑलमोस्ट कॉट इट विद हिज हैंड्स जब वह बच्चा लगभग लगभग उसे अपने हाथों में पकड़ने ही वाला होता था. देन हिज मदर गेव ए कॉशनरी कॉल तब उसकी माँ ने एक कॉशनरी कॉल. कॉशनरी कॉल मतलब सचेत करता हुआ सावधान करने वाली आवाज कॉशनरी तो याद रखना है. कौशन मतलब प्रिकॉशन सावधानी होता है. कॉशनरी कॉल सावधान करती हुई आवाज पुकार कॉशनरी कॉल यानी आप सचेत करते हुए बच्चा आ जाओ. कम चाइल्ड कम आ जाओ बेटे. ही रेन टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स गैली एंड वॉक्ड अब्रेस्ट ऑफ देम फॉर ए वाइल. अब कहता है वह बच्चा तेजी से अपने पेरेंट्स की तरफ भागा. ठीक है और अब्रेस्ट ऑफ देम फॉर ए वाइल साथ साथ चला उनके मतलब पीछे पीछे या उनके साथ साथ तो फॉरे वाइल थोड़ी देर तक चला. वो बच्चा कुछ देर तक उनके साथ साथ चला लेकिन बेंग हाउएवर सून लेफ्ट बिहाइंड लेकिन जल्द ही वह बच्चा फिर पीछे छूट गया. अट्रैक्टेड बाय द लिटिल इंसेक्ट्स एंड वॉर्म्स अलोंग द फुटपाथ दैट वेयर टिमिंग आउट फ्रॉम देयर हाइडिंग प्लेसेस टू एंजॉय द सनशाइन. इस बार बच्चा किस चीज से फैसिनेटेड हुआ याद रखना है. इस बार बच्चा अट्रैक्टेड हो रहा है लिटिल इंसेक्ट्स छोटे छोटे इंसेक्ट जो कीड़े मकोड़े होते हैं और वॉर्म्स जो केचुए आदि हैं जो फुटपाथ पर निकल आए थे अपनी अपनी हाइडिंग प्लेसेस से अपनी अपनी गुप्त जगह से छिपी हुई जगह से इसलिए टू एंजॉय द सनशाइन धूप का आनंद लेने के लिए. नेक्स्ट लाइन देखते हैं. कम चाइल्ड कम हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ ए ग्रोव वेयर दे हैड सीटेड देमसेल्व्स ऑन द एज ऑफ ए वेल. फिर उसकी मम्मी पापा जो स्वयं कहाँ बैठे थे एज ऑफ ए वेल यानी किसी कुएं के जगत पर जाकर बैठ गए थे तो वहीं से आवाज लगाई कम चाइल्ड कम. ही रेन टुवर्ड्स देम वह बच्चा दौड़ पड़ा उनकी तरफ. अ शावर ऑफ यंग फ्लावर्स फेल अपॉन द चाइल्ड एज ही एंटर्ड द ग्रुप एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स ही बिगन टू गैदर द रेनिंग पीटल्स इन हिज हैंड्स. अब क्या हुआ कि जैसे ही वह बच्चा क्या करता है दौड़ता है अपने मम्मी पापा की तरफ और इंटर करता है उस ग्रुप में. ग्रुप मतलब बगीचा. बगीचे के अंदर जैसे ही बच्चा प्रवेश करता है तो शावर ऑफ यंग फ्लावर्स ठीक है छोटे छोटे फूलों की बरसात हो जाती है उस बच्चे के ऊपर यानी बौछार हो जाती है. और कहता है फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स थोड़ी देर के लिए अपने पेरेंट्स को भूल कर ही बिगन टू गैदर द रेनिंग पीटल्स इन हिज हैंड्स. उस बरसते हुए पीटल्स यानी पंखुड़ियों को इकट्ठा करने लगा हुआ बच्चा इन हिज हैंड्स अपने हाथों में. बट लो लेकिन क्या हुआ लो यानी आश्चर्यजनक रूप से क्या हुआ. ही हर्ड द कूइंग ऑफ डव्स एंड रेन टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स शाउटिंग
डर 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 डर। अचानक वह बच्चा क्या सुनता है, डर की आवाज़। जब एक पक्षी होता है तो उसकी आवाज़ सुनकर, उसकी क्विक सुनकर वह बच्चा चिल्लाता हुआ दौड़ता है, डर 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 कहता हुआ। द रेनी पीटल्स ड्रॉप फ्रॉम हिज फॉरगॉटन हैंड्स। उस बच्चे ने जो पीटल्स इकट्ठे किए थे ना अपने हाथों में, वे सभी उनके हाथों से गिर गए। फॉरगॉटन हैंड्स यानी सुन भूल खोल गया बच्चा, जैसे ही कोई ऑफ डब सुनता है तो उनका हाथ, उसको ठिकाना नहीं रहता है कब गिर जाता है उनके हाथों से पीटल्स। कम चाइल्ड कम, दे कॉल टू द चाइल्ड हू हैड नाउ गॉन रनिंग इन वाइल्ड कैपर्स अराउंड द बनियान ट्री। अब बच्चा जो है वाइल्ड कैपर करता हुआ, यानी अटखेलियाँ करता हुआ, वह बच्चा कहाँ चला गया था, एक बनियान ट्री के पास, बरगद पेड़ के पास। एंड गैदरिंग हिम अप दे टुक द नैरो विंडिंग फुटपाथ व्हिच लेड टू द फेयर थ्रू द मस्टर्ड फील्ड्स। उस बच्चे को गैदर करना मतलब साथ लेकर के उनके मम्मी पापा ने एक नैरो यानी एक संकीर्ण, एक संकरा सा विंडिंग फुटपाथ यानी टेढ़ा मेढ़ा पगडंडी पकड़ा, जो सीधे कहाँ जाता था, मस्टर्ड फील्ड से होता हुआ मेले तक। एज दे नियर्ड द विलेज द चाइल्ड कुड सी मैनी अदर फुटपाथ फुल ऑफ थ्रॉन्स। अब बच्चा जब कहता है उस गांव के समीप पहुंचता है जहां पर मेला लगने वाला है, तो क्या देखता है, वहां पर फुटपाथ बहुत सारे हैं, मैनी अदर फुटपाथ, कई दूसरे पगडंडी हैं, फुटपाथ हैं, फुल ऑफ थ्रॉन्स। थ्रॉन्स कहते हैं भीड़ को, थ्रॉन्स जो लोगों की भीड़ से, थ्रॉन्स यानी क्राउड्स। तो वो जो फुटपाथ है सभी भीड़ से भरे हुए थे। कन्वर्जिंग टू द वर्लपूल ऑफ देयर द फेयर, और सभी कन्वर्ज हो रहे थे। कन्वर्ज होना मतलब एक जगह इकट्ठा होना, सभी भीड़ एक जगह इकट्ठी होने लगी एक वर्लपूल ऑफ द फेयर, यानी उस मेले में जो वर्लपूल जैसा था, एक भंवर जैसा था। एंड फेल्ट एट वन रिपेल्ड एंड फैसिनेटेड बाय द कंफ्यूजन ऑफ द वर्ल्ड ही वाज एंटरिंग। और अचानक वह बच्चा रिपेल्ड हो गया यानी विकर्षित हो गया, उसका जो है वो तंग आने लगा। और फिर कहता है फैसिनेटेड, फिर आकर्षित भी हो गया बाय द कंफ्यूजन ऑफ द वर्ल्ड, यानी एक ऐसी दुनिया में वह एंटर कर रहा है जो कि कहता है उनके लिए कंफ्यूजन से भरा हुआ है, दुविधाओं से भरा हुआ है। अ स्वीट मेट सेलर वॉक, एक मिठाई वाला जो है चिल्ला रहा था, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी, उस तरह से मिठाई वाला जो है चिल्ला रहा था। एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस, कहाँ पर, जो प्रवेश द्वार है उसके कोने पर। एंड ए क्राउड प्रेस्ड राउंड हिज काउंटर एट द फुट ऑफ द आर्किटेक्चर ऑफ मेनी कलर्ड स्वीट्स डेकोरेटेड विथ लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड। और कहता है लोगों की भीड़ जमा हो गई क्योंकि वहाँ पर रंग बिरंगी जो है अलग अलग तरह के डिजाइन के मिठाइयाँ बनी हुई थी और डेकोरेटेड विथ सिल्वर लीव्स ऑफ सिल्वर, जिसको सजाया गया था मिठाइयों को चांदी की पन्नियों से और गोल्ड सोने की पन्नियों से। The child stared open-eyed and his mouth watered for the burpee. अब बच्चे की आंखें खुली रह गई जब, और उनके मुंह में पानी आ गया जब उसने बर्फी को देखा। That was his favorite sweet, क्योंकि बर्फी उनकी मनपसंद मिठाई थी। I want that burpee, he slowly murmured, धीरे से बड़बड़ाया हुआ बच्चा कि मुझे बर्फी चाहिए। बट ही हाफ न्यू, लेकिन आधी बात कहता है वह पहले से जानता था क्या। एज ही बेग्ड दैट हिज प्ले वुड नॉट बी हीडेड बिकॉज हिज पेरेंट्स वुड से ही वाज ग्रीडी, वह जानता था कि मांगने पर ध्यान नहीं दिया जाएगा, नॉट बी हीडेड, उनकी मांग पर ध्यान नहीं दिया जाएगा, क्यों,
उनके पेरेंट्स कह देंगे कि तो लालची है। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए ही वह आगे बढ़ गया। तो स्टूडेंट्स, आज लगता है काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, तो मैं यहीं पर आज स्टार्ट करता हूँ। आप सभी बच्चे इन सारे वर्ड्स को नोट डाउन करेंगे, याद करेंगे, और नेक्स्ट लेसन में फिर मैं इससे आगे का पार्ट पढ़ाऊँगा। तब तक आप लोग इस लेसन को और इससे पहले जो मैंने फर्स्ट बुक का फर्स्ट लेसन पढ़ाया है उनका क्वेश्चन आंसर आप लोग याद करेंगे, सीखेंगे। आज इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय एसबीएम।